हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर, आज आपके सामने हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के रीजनिंग के पार्ट 7 लेके आया हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 है आपका, कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द कोड ऑफ थ्योरी, थ्योरी का कोड निकालना है। आप देखिए यहाँ पर थ्योरी है फ्रेंड्स, ऑलरेडी थ्योरी नहीं है, इन आइडिया, और अगर आ जाएगा आपको पता चल जाएगा तो आपका थ्योरी का आ जाएगा। इन आइडिया देखिए कहाँ, इन इन कॉमन है, तीनों में कॉमन है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, पीयू, पीयू कॉमन हो गया, पीयू इनके लिए हो गया, इनके लिए आपका पीयू आ गया, ठीक है। अब आइडिया की अगर बात करें तो आइडिया इसमें है और आइडिया इसमें है, आइडिया आइडिया जो जो हो गया आपका आइडिया के लिए, आइडिया के लिए आपका आ गया जो, ठीक है, और कहीं दिया हुआ नहीं है और थ्योरी नहीं है, तो जो और PU हो गया, BK या ZT हो जाएगा, BK और ZT में से कोई हो जाएगा आपका थ्योरी के लिए, ठीक है। अब देखिए द कोड ली री तो भी में रिप्रेजेंट क्या दिखाता है, ली री तो भी, तो आप इसमें देख सकते हैं SU आपका यहाँ यहाँ कॉमन है, SU का क्या हो जाएगा, SU कॉमन हो गया दोनों में, तो SU हो जाएगा स्टेट इन, डी हो गया, डी का हो गया SU, ठीक है। अब आप और देखिए तो ना देखिएगा, तो ना यहाँ भी है, ना यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है ना, क्या हो सकता है, द लॉजिकल आइडिया ओनली, ओनली हो गया, ओनली हो गया किसका, ना का, ठीक है, ओनली ना हो गया। अब लॉजिकल, लॉजिकल है, द है, द का पहले हो गया, एसयू हो गया है, एसयू हो गया, जो हो गया है, री का हो जाएगा फ्रेंड्स, री लॉजिकल हो गया फ्रेंड्स। लॉजिकल देखिए किसमें है, इसमें लॉजिकल नहीं है, एक खत्म हो गया, बी में लॉजिकल नहीं है, इसमें लॉजिकल है, इसमें लॉजिकल है, इसको भी खत्म कर दीजिए, सी या ई में से कोई होगा। अब देखिए आइडिया के लिए जो आना चाहिए, जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे जो आना चाहिए था किसी में लेकिन ये भी नहीं आ रहा, तो सी आपके आंसर हो गया, सब निकालने जो इतनी इसी तरह ऑप्शन से बन गया, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आइडिया दिख रहा है और आइडिया के लिए जो आता है, जो यहाँ पे है नहीं, तो आपका ये नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया, सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब आइडिया देखिए, यहाँ पे आइडिया का पूछ रहा है, आइडिया क्या हो गया, जो हो गया, तो जो यहाँ पे कोड लिख दीजिए, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर सीरियल, सीरियल का अगर बात करें तो सीरियल का कोड क्या हो जाएगा, ओनली इन ऑर्डर अगर आप निकाल लेंगे तो सीरियल का पास चल जाएगा। ओनली का आपको पता है, ओनली का आपको क्या हो गया, ओनली का है ना है, इन का आपको यू है, ऑर्डर का आपका पता कर सकते हैं, ऑर्डर यहां भी है, ऑर्डर यहां भी है, तो ऑर्डर का आपका हो जाएगा, दोनों कॉमन है, ऑर्डर तो वीई हो गया, ऑर्डर का, ऑर्डर का हो गया वीई, ऑर्डर का वीई हो गया, यहाँ पे वीई लिख दीजिए। अब आप बच्चा क्या, बी हो गया, पी यू हो गया, नहीं तो टू हो गया सीरियल का, सीरियल का क्या हो जाएगा, टी ओ टू हो जाएगा सीरियल का। अब एक और है, लॉजिकल है, लॉजिकल आपको निकालना है, दी आइडिया ओनली, दी पता है, आइडिया पता है, ओनली पता है, ठीक है, दी आइडिया ओनली, दी का हो गया एस यू, ओनली का ना, और आइडिया का जो हो गया, तो री हो जाएगा आपका, री क्या हो जाएगा, लॉजिकल का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉजिकल का आर आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ट्रिब्यूनल, ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या पूछ रहा वर्ड है, ट्रिब्यूनल, टी आर आई बी यू एन ए एल, ट्रिब्यूनल, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार इधर से जाएंगे, एक बार इधर से जाएंगे, और फिर देखेंगे कितने वर्ड्स उसी अल्फाबेट पोजिशन पे आ रहे हैं जो अल्फाबेटिकल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। टी के बाद गिनिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, नहीं, आर के बाद एस टी यू, एक आ गया, बी डब्ल्यू एक्स नहीं, आई जे के एल एम एन नहीं, बी सी डी ई एफ नहीं, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स नहीं, एन ओ पी नहीं, ए बी, ठीक है, एल एम एन, एक और आ गया, ओ पी क्यू आर, एक और आ गया एस, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एन ओ पी क्यू आर, एक और आ गया, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई बी सी डी ई आई जे के नहीं, ठीक है, कितना आ गया, चार आ गया, तो फोर ऐसा अल्फाबेट होगा जो कि इस वर्ड में दिया हुआ है, जो कि अगर अल्फाबेटिकल इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार गिने तो उसके बीच में उतने ही वर्ड्स आते हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आपका कोडिंग डिकोडिंग से डाउन को हम लोग लिखते हैं, डाउन इज रिटन एज ऐसे एंड नेम इज रिटन एज लाइक दिस, तो आपको मोड निकालना है, मोड का क्या होगा, एम ओ डी ई मोड, एम का यहाँ पे क्या है, एम का है परसेंट है, तो यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। अब ओ का बात करें तो ओ का है एट द रेट, एट द रेट लिखिए, डी का आपका फाइव दिया हुआ है, और ई का अगर बात करें फ्रेंड तो ई का आपका नेम का थ्री है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीनिंगफुल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर एल जी ई यू,
ठीक है, तो इससे क्या बन सकता है, जी एल यू ग्लू बन सकता है, एल यू जी ई ल्यूज बन सकता है, दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकता है, टू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, टू मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एल जी ई यू। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रिलेटेड जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।